Bismillahirrahmanirrahim. Before I start, I would like to give you a summary of the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखे, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंटिंग और हेजिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो मैंने आपको वन लाइनर्स भी बताया था कि आप उन चीज़ों को ज़रा ज़ेहन नशीन कर सकें. उसके अलावा वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और हमने देखा कि जो कंपनीज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो फ्यूचर में अगर हमें कुछ रिटर्न्स मिलते हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, क्या चीज़ें. अभी हमने उसके सारे डायनामिक्स देखे नहीं है, जो आज हम इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन में बाकी सब चीज़ें भी देखेंगे. इंटरेस्ट रेट थ्योरी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट थ्योरी पे आए, जिसका हमने पूरा फार्मूला डिस्कस किया और उसमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को उसके बाद देखा कि इंटरेस्ट रेट में को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जैसा कि इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मेच्योरिटी प्रेफरेंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. एक पूरी इक्वेशन को हमने डिटेल में देखा. एंड फाइनली वी वर ऑन यील्ड कर्व थ्योरी एंड इट्स डायनामिक्स. हम यील्ड कर्व उसके डायनामिक्स फाइनली देख रहे थे, और उसके कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं अभी आपको इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा यील्ड कर्व की और इंटरेस्ट रेट्स में. नॉमिनल और अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व. नाउ वी गो इनटू द रीजन व्हाई द कर्व्स हैव ईदर अपवर्ड स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप. फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व. लास्ट टाइम हमने देखा कि यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है. अगर यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग से मुराद ये कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और नॉर्मली वो अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है. लेकिन हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिनमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हाई होता है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट लो होता है. अब हम कुछ रीजंस देख लेते हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं. एंड लेट्स सी कि व्हाट दे हैव टू से ऑन दिस. फर्स्ट एक्सपेक्टेशन थ्योरी. इन्वेस्टर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन इन इंटरेस्ट टू राइज विद टाइम, थेरबाय गिविंग राइज टू अ नॉर्मल शेप यील्ड कर्व. नॉर्मली इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इन्फ्लेशन राइज होगी ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म और इंटरेस्ट रेट इसलिए विल राइज इन द लॉन्ग टर्म. इसलिए वो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ही होती है कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट लो होंगे और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हाई होंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एक्सपेक्टेशन थ्योरीज हमारे नॉर्मल यील्ड कर्व को एक्सप्लेन करती हैं. उसके अलावा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. इन्वेस्टर्स प्रेफर इजीली कैशेबल सिक्योरिटीज विद शॉर्ट मेच्योरिटीज. The only problem is that short-term securities are easy to encash, but at maturity there is no guarantee that you can renew it. So you can find a security today which will give you 25% or 30% per annum, but they are not renewable, hence unpredictable. Liquidity preference theory में भी यही बात आती है कि देखें, जो हम short-term interest rate low क्यों हैं, low इसलिए हैं कि आप जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रेफर लिक्विडिटी. जैसे मैंने आपको लास्ट में एक एग्जांपल लेके बताया था कि हम अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में भी रखते हैं, और बैंक अकाउंट्स में हमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा होता, हमारा पैसा वहाँ पे पड़ा होता है. एंड अगर इंटरेस्ट रेट दिया भी जा रहा होता है तो वो बहुत कम होता है, इन्फ्लेशन से कम होता है. दैट मीन्स दैट वी आर पुटिंग आवर वैल्यू इन द पुटिंग आवर मनी इन द बैंक अकाउंट्स ऑन अ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट. लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? वी डू दैट बिकॉज वी प्रेफर लिक्विडिटी. हमें लिक्विडिटी चाहिए होती है कि हम किसी भी वक्त वो पैसा वहाँ से निकलवा सकें. यू नो, वी वांट दैट मनी फॉर आवर सेल्व्स ऑल द टाइम. और अगर हम उस लिक्विडिटी को गिव अप करेंगे तो उसके लिए हमें फिर एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर बैंक आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करता है कि वो आपको एक सेविंग अकाउंट देते हैं, वो कहते हैं कि आप एक साल तक पैसा निकलवा नहीं सकते, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ज़्यादा होगा बिकॉज यू आर गिविंग अप योर लिक्विडिटी. अगर इसी तरह आप 5 साल पैसा नहीं निकलवा सकते तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा बिकॉज यू आर गिविंग अप मोर लिक्विडिटी. सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना पैसा स्टक हो जाता है, स्टक करते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है. अगर शॉर्ट टर्म में जल्दी हम अपना पैसा लिक्विड कर सकते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट कम होगा. सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाई शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हाई एज़ वेल. मार्केट सेगमेंटेशन. द डिमांड सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इज डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. दिस कैन ईजिली गिव राइज टू अ अबनॉर्मल यील्ड कर्व. मैंने आपसे पॉल वॉकर का केस लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं, इनकी मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली होती है. तो मैं आपसे डिस्कस करता था कि लास्ट टाइम पॉल वॉकर ने इंटरेस्ट रेट बहुत इंक्रीज किए शॉर्ट टर्म बिकॉज वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे 1980s में, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हाई हुए और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट लो हुए.
सो दिस फिनोमिना कैन प्रिवेल, अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसको हम एबनॉर्मल यील्ड कर्व कहेंगे. जैसे मैंने बताया था उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. डाउनवर्ड स्लोपिंग, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हाई एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लो. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. देखिए इंटरेस्ट रेट की जब मैं बात करता हूँ, देर आर सबसे पहली क्लासिफिकेशन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो जिसमें हम इन्फ्लेशन के बारे में, जिसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करते, जो नॉर्मली कोट किया जाता है आगे पीछे, जो बैंक्स कोट करते हैं, जो न्यूज़पेपर में कोट होता है, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है. उसमें से हमने इन्फ्लेशन को माइनस नहीं किया होता, उसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं. व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट, पहले मैं आपको बता चुका हूँ. रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द इन्फ्लेशन. This is a very famous equation by a very famous economist whose name was Irving Fisher. Irving Fisher ने ये relationship बताया था interest rate पे. काफ़ी काम किया, उनकी book है Theory of Interest Rate by Irving Fisher. If you are interested in more dynamics of interest rate in detail, तो I would recommend you read that book. It's called The Theory of Interest Rate by Irving Fisher. अब हम टाइप ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. देर थ्री काइंड ऑफ इंटरेस्ट वी विल टॉक अबाउट. हम तीन काइंड ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे. पहला इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट. सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरेस्ट, इतने डिफरेंट इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये हम अभी आपको इंशाल्लाह एक एक करके हम इन तीनों इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कि एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और इससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर हम एक इंटरेस्ट रेट यूज़ करते हैं दूसरा नहीं करते, और कौन सा हमें करना चाहिए. सो कमिंग टू द सिंपल इंटरेस्ट रेट और स्ट्रेट लाइन इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट इनकर ओनली ऑन द प्रिंसिपल. While calculating simple interest, we keep the interest and principal separately. That is, the interest incurred in 1 year is not added to the principal while calculating interest of the next period. Simple interest rate can be calculating using the formula. सिंपल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हम बेसिकली होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल से क्या मुराद है कि हमारी ओरिजिनल जितनी भी रकम है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट हर साल मिलता रहेगा. अगर हमने 5 साल के लिए 1 लाख रुपया बैंक में रखा है और बैंक हमें कहता है कि आपको हम 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट देंगे, तो उसका मतलब है कि पहले साल आपको 100,000 1 लाख रुपए पे 10% 10,000 रुपये मिलेगा, दूसरे साल आपको भी 10,000 मिलेगा, तीसरे साल भी 10,000, चौथे साल भी 10,000, पांचवें साल भी 10,000. सो दैट मीन्स पाँच साल भी आपको 10,000 रुपया मिलेगा. सो इसमें आपका जो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो प्रिंसिपल पे, जो आपके ओरिजिनल अमाउंट उसी के ऊपर मिल रहा है. अगर आप अपने पैसे आप बैंक से नहीं निकलवाते और एक साल के बाद आपके पैसे एक साल शुरू में तो 1 लाख रुपया होता है, लेकिन 1 साल के बाद वो 1,10,000 रुपया हो जाएगा. लेकिन आपको उस 1,10,000 अगले उससे अगले साल 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको सिर्फ आपकी प्रिंसिपल 1 लाख पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज सिंपल टू कैलकुलेट. फॉर इसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पीवी, जो भी मतलब आपकी पीवी है, प्लस पीवी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन, वेयर आई इज द इंटरेस्ट रेट, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स. अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी थी उसमें इट वॉज 100,000 था, 100,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, आई इफ आई इज 10% वो 10,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन अगर 5 ईयर्स तो 5, सो टोटली 50,000 इंटरेस्ट रेट हमें पाँच साल में 100,000 पे मिलेंगे. अभी इसके एग्जाम्पल भी आगे हम डिस्कस करें. अज्यूम दैट यू हैव ₹100 टूडे and you want to invest the money, invest the amount with a bank for 5 years. The bank is offering an interest rate of 7%. We can obtain the simple interest on the investment using the aforementioned formula. FV is equal to PV plus PV multiplied by I multiplied by N. Here the future value is the simple interest accrued for the term of the investment. PV is the amount invested, that is ₹100 in our example. I stand for interest rate offered by the bank, that is 7%, in this case 7%, N is the term of the investment, which is assumed to be 5 years. अब यहाँ पे हमारे पास ₹100 पड़ा हुआ है, 5 साल के लिए वो इन्वेस्ट करें और इंटरेस्ट रेट हमारा 7%. सो इफ यू सी द कैलकुलेशंस, मैंने बहुत आसान और एग्जांपल चूज़ किए ताकि आप आसानी से इस एग्जांपल को समझ सकें.
पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट 100 जो हमारी प्रेजेंट जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 0.07 7% जो होता है हम परसेंटेज टर्म में जब लेते हैं तो हम उसको 100 पर डिवाइड करते हैं इसलिए 0.07 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इसलिए कि 5 साल के लिए हम देखते हैं आगे हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज इक्वल टू 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाती है और जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। ये 35 रुपीज़ हमें मिलेंगे, ये हमें 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट रेट बनता है, इसको हम जब अपने प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास रुपीज़ 135 आ जाती है। ये रुपीज़ 135 इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 ईयर्स एंड रुपीज़ 35 इज़ द इंटरेस्ट एंड रुपीज़ 35 इज़ द इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द 5 ईयर्स ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 100। डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने सिंपल इंटरेस्ट रेट देख लिया, स्ट्रेट लाइन और सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट। डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टूल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्काउंटिंग एंड एनपीवी कैलकुलेशंस। सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट। डिस्क्रीट हम कम ही यूज करते हैं, साथ कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्टली से कहा जाता है। अनलाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड फॉर अ टर्म। While calculating interest incurred during the next term, that is the interest incurred for 1 year would be added to the principal to the calculate the interest of the next period. Last example मैंने आपको बताया था, हमने देखा था कि जो एक साल के बाद हमारी जो रकम अगर 7% interest rate है तो एक साल के बाद वो 100 रुपया हमारा 107 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट हम सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। एक साल के बाद हमारी रकम तो बढ़ चुकी होती है लेकिन हम उस बढ़ी हुई रकम के ऊपर उसको वो लेके उसके ऊपर दोबारा हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि अगर एक साल के बाद हमारे 107 रुपये अकाउंट में पड़े हुए तो अगले जो दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट होगा वो 107 के ऊपर कैलकुलेट होगा। 107 मल्टीप्लाई बाय 7% आई थिंक आपको मैं एग्जाम्पल अगर दे दूं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जाम्पल। हाउएवर दिस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट मैनर, दैट इज द कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। फॉर कंप्यूटिंग द एनुअल कंपाउंडिंग वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें अगर हम देखें तो ये हम जो इंटरेस्ट रेट उसको एक डिस्क्रीट मैनर में लेते हैं। कंपाउंडिंग जो होती है उसका एक पीरियड होता है, मतलब ईयरली एक साल के लिए कंपाउंड कर सकते हैं, सेमी एनुअली से मुराद है कि एक साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी, क्वार्टरली से मुराद है एक साल में 4 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी बिकॉज साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर जनवरी से मार्च तक, दूसरा अप्रैल से जून तक, तीसरा जुलाई से सितंबर तक, चौथा अक्टूबर से दिसंबर तक। सो दीज आर द 4 क्वार्टर्स। सो और काफ़ी सारी क्वार्टर इसलिए यूज मोस्टली होते हैं, काफ़ी सारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्वार्टरली बनती हैं तो वो क्वार्टरली इंटरेस्ट लिस्ट भी शो करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को बता सकें हर क्वार्टर में कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा हम मंथली कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। फॉर कंप्यूटिंग द एनुअल कंपाउंडिंग वी यूज द फॉलोइंग। अभी मैं एनुअल कंपाउंडिंग के लिए आपको फार्मूला बता दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मंथली कंपाउंडिंग और क्वार्टरली एनुअली बाकी सब कंपाउंडिंग के लिए भी मैं आपको फार्मूला बता दूँ। सो डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअल, ईयरली कंपाउंडिंग। जब हम सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे तो हमने देखा था कि हम उसको इंटरेस्ट रेट वी सिंपली मल्टीप्लाइड द इंटरेस्ट रेट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन यहाँ पे हम पावर्स का कॉन्सेप्ट यूज करें। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एन रेज टू पावर एन। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है और आई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। हाउएवर अ स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द फार्मूला इज नीडेड इफ द कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस मंथली। अगर ये जो पहला फार्मूला मैंने आपको दिया है मैंने ईयरली कंपाउंडिंग के लिए दिया है, अगर आपकी मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो आप फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सच अ कंपाउंडिंग वुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अगर यहाँ पे हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस i डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। अब यहाँ पे देखें पहले फार्मूले में उसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे जो आई था वो ईयरली था इसलिए हमने उसको ईयरली था इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा, लेकिन यहाँ पे अगर मंथली है तो हम
कि जितने मंथ के लिए भी कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो हम उसको आई को डिवाइड कर लेंगे और हम एन एन के साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. सो इसी दो जगहों पे डिफरेंस आता है, आई को हम डिवाइड कर देंगे एम से और जो पावर है वहाँ पे एन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम से. हियर एम रेफर्स टू द कंपाउंडिंग इंटरवल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट. एम है वो कंपाउंडिंग इंटरवल कुछ अगर सेमी एनुअली है तो यहाँ पे हम सेमी एनुअली है तो यहाँ पे हम टू यूज करेंगे बिकॉज दो दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है. अगर ये मंथली है तो यहाँ पे हम 12 यूज करेंगे क्योंकि 12 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है. और अगर ये क्वार्टरली, क्वार्टरली से मुराद मैंने आपको बताया था क्वार्टरली है तो यहाँ पे दिस वुड बी इक्वल टू 4. सो नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल, डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एग्जांपल. अज्यूम दैट इन्वेस्टर इन आवर प्रीवियस एग्जांपल इज ऑफर्ड अ कंपाउंड रिटर्न इंटरेस्ट ऑन हिज सेम इन्वेस्टमेंट एट द सेम इंटरेस्ट रेट एंड टर्म. The future value of the investment is as under. हमने ये देखा है कि last time एक हमारे investor के पास 100 रुपये थे जो वो एक bank में simple interest of 5-7% 7% interest पे 5 साल के लिए bank पे उसे रखे थे और हमने देखा था कि उसके पास जो final 5 साल के बाद 135 रुपये, वो 100 रुपया 135 रुपये में कन्वर्ट हो गया था बिकॉज वी एडेड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स ऑन द प्रिंसिपल. अब हम देखते हैं कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो क्या होता है सेम सिचुएशन में. अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल प्लस आई रेज़ टू पावर एन. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.07 जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको हम उसकी जो हम पावर करेंगे वो 5 करेंगे बिकॉज हम 5 साल के लिए उसको कंपाउंड करना चाहते हैं. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1.07 रेज टू पावर 5. अब जब 1.07 की रेज टू पावर 5 करेंगे तो इट इज इक्वल टू 1.40255. 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर हमने उसको एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ किया है तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 100 रुपये की फ्यूचर वैल्यू 5 साल के बाद 7% इंटरेस्ट रेट पे 140.255 आ जाएगी. Here the interest rate accrued on the 5-year investment is more than what we found out in the simple interest. Simple interest rate ke case mein 135 aaye the, yahan pe hamare paas 140 aa gaye. Obviously ye zyada jo ek change aaya wo is wajah se aaya hai ki yahan pe hum principal ke upar इंटरेस्ट रेट हर साल कैलकुलेट नहीं करते जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हम प्रिंसिपल पे कर रहे थे. यहाँ पे जैसे जैसे हमारी रकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम प्रिंसिपल को चेंज करते जाते हैं. पहले साल में प्रिंसिपल हमारी 100 रुपीज़ थी. सेकंड शुरू स्टार्टिंग में हमारी प्रिंसिपल 100 रुपीज़ थी. जब एक साल गुजर जाता है तो हमें 7 रुपये इंटरेस्ट रेट पहले साल उतना ही होता है 7 रुपये इंटरेस्ट रेट मिलता है तो हम दूसरे साल में जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो 107 यूज़ करते हैं. तीसरे साल में फिर हम जो नेक्स्ट हमारी इंटरेस्ट रेट ऐड करके आएगी रकम उसको हम यूज़ करेंगे. सो इट मेक्स सेंस कि ऑब्वियसली इसमें हम जो हमारी जो कंपाउंड हम जिस चीज़ के ऊपर जो कर रहे हैं वो वाली रकम डिफरेंट है दैट्स वाई हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंट आ रहा है. इस केस में इंटरेस्ट रेट हमारे साथ है. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे मंथली कंपाउंडिंग करते हैं. मंथली कंपाउंडिंग से मुराद है बजाय इसके कि हम साल में एक दफ़ा कंपाउंड करें हम मंथली कंपाउंडिंग करते हैं. हम हर महीने में देखते हैं हम पहले महीने में देखते हैं कि हमने कि कितना इंटरेस्ट रेट बना उसको ऐड करते हैं अपनी प्रिंसिपल में और उसको अगले महीने की कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. एक एग्जांपल देखें तो आपको क्लियर हो जाए. हाउएवर द कंपाउंडिंग इज डन एवरी मंथ इन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वुड बी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + i/m रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय एन. जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने वही ईयरली फार्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था उसमें हमने आई को डिवाइड किया एम से और उसके बाद हमने एन को मल्टीप्लाई कर लिया एम से. सो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.07/12. हमने 7% इंटरेस्ट रेट को 12 पे डिवाइड किया बिकॉज हम मंथली कंपाउंड करना चाह रहे हैं. फिर उसकी पावर हमने जो यहाँ पे रखी है वो बेसिकली जो नंबर ऑफ टर्म्स थे नंबर ऑफ इयर्स थे वो 5 इयर्स थे लेकिन अब हम मंथली कंपाउंड करना चाहते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए हम इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से. अगर रिजल्ट हम देखें तो 0.07 को हम जब 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 0.005833 और जब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो ये 60 हो जाएगा. सो ओवरऑल जब देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू हमारी 100 मल्टीप्लाई बाई 1.05833 रेज पावर 60 आ जाएगी और ये हमारे पास जो टोटल टाइम आ रही है 1.4176. अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 141.76.
विद मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर इंक्रीजेस टू अ ग्रेटर डिग्री। अब आपने देखा है कि जब हम ईयरली कंपाउंड कर रहे थे तो हमारे पास 140.255 रुपीस आ रहे थे, लेकिन जब हम मंथली कंपाउंडिंग करना शुरू करें तो हमारे पास 141.76 रुपीस आना शुरू हो गए। सो इसका मतलब है कि हम जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना हमारा हमारा जो रिटर्न है वो हाई हो जाएगा। सो अगर आपके पास एक ऑफर है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको आपका बैंक या आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन कहता है कि आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, आपके पास आपको तीन किस्म के कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकते हैं, आपको ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? अगर आपको पैसे मिलने हैं तो ऑलवेज ट्राई टू चूज़ द इंटरेस्ट रेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। सो अगर इन तीन ऑप्शन में से आपने चूज करना हो तो आप मंथली ऑप्शन यूज करेंगे, बिकॉज मंथली में आपका पैसा सबसे ज़्यादा कंपाउंड होगा और सबसे ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट कहीं देना है तो ट्राई टू यूज दैट इंटरेस्ट रेट जिसमें आप जो ट्राई टू यूज दैट इंटरेस्ट रेट जिसमें कंपाउंडिंग जो कंपाउंडिंग है वो कम से कम हो। अगर वही तीन ऑप्शन आपके सामने रखी जाएँ कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट किसी को पे करना है, आप ईयरली कंपाउंड कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं या सेमी एनुअली कर सकते हैं, तो ऑलवेज चूज ईयरली, बिकॉज ईयरली में आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे, अब आगे हम आ जाते हैं, कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूटिंग हैज़ इंक्रीज आवर कैपेबिलिटीज ऑफ डूइंग फाइनेंशियल वर्क। हर कंप्यूटिंग की वजह से हर चीज़ में ही फायदा हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल वर्क में स्पेशली हम अब काफ़ी बेहतर तरीके से कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो शायद आज से 25-30 साल पहले काफ़ी मुश्किल थी करना। सो अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग पहले हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमने स्टार्ट किया तो उसमें मैंने देखा कि कंपाउंडिंग पीरियड जब जितना छोटा होता जाता है उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। मतलब कि अगर साल में हम एक दफ़ा कंपाउंड करते हैं तो वो कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन साल में अगर हम दो दफ़ा कंपाउंड करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा एज़ कम्पेयर टू साल में एक दफ़ा। अगर साल में हम 12 दफ़ा कंपाउंड करते हैं तो वो ज़्यादा होगा साल में दो दफ़ा कंपाउंड करने से। लेकिन मैं इसकी लिमिट जानना चाहता हूँ। देखेंगे हम अपना कंपाउंडिंग पीरियड कितना छोटा कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं। देखें मंथली तक तो मैं आया हूँ, डेली भी इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं कि अगर हम देखना चाहें कि डेली इंटरेस्ट रेट कितना होगा और डेली इंटरेस्ट रेट को हम लेके कंपाउंड करना शुरू करते हैं डेली, और अगर हम डेली से भी इसको छोटा करना चाहें इंटरवल को, तो हम आवरली कर सकते हैं कि घंटे में कितना इंटरेस्ट रेट होगा और घंटे में इंटरेस्ट रेट हर घंटे बाद इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड करें। अगर एक आवर से छोटा कर लिया जाए तो एक मिनट आ जाएगा कि हर मिनट में कितना इंटरेस्ट रेट हो रहा है और हर मिनट में जितना इंटरेस्ट रेट हो रहा है हर मिनट के बाद कंपाउंड किया जाए। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर दैट। और फाइनली एक मिनट से क्या छोड़ा, एक सेकेंड में कितना इंटरेस्ट रेट आया और हर सेकेंड के बाद उसको कंपाउंड किया जाए। सो अब हम अगर कैलकुलस को यूज़ करें तो हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं चाहूँगा, अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ कि असल में हो क्या रहा है। अगर हम इस कंपाउंडिंग पीरियड को बिल्कुल छोटा कर देते हैं कि एक इंस्टेंट पलक झपकना, मतलब एक इंस्टेंट में कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ और उसको कितनी दफ़ा कंपाउंड किया जा सकता है, हम ये लिमिट देखना चाहते हैं। कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम ये देख सकते हैं और एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम देख सकते हैं कि एक इंस्टेंस में कितना इंटरेस्ट रेट इकट्ठा हुआ और उसको कंटिन्यूसली कंपाउंड। सो देखें अब आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग से कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग में क्या डिफरेंस। कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग में ये डिफरेंस है कि जो हमारा कंपाउंडिंग पीरियड है उसको हम इतना छोटा कर देते हैं इंस्टेंट को, बहुत ही छोटा, बिल्कुल छोटा, कि वो ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन हर इंस्टेंट में कितना इंटरेस्ट रेट इकट्ठा हो रहा है उसको कितना कंपाउंड कर रहे हैं, तो वो अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम अगर हम अपना कंपाउंडिंग पीरियड को बिल्कुल छोटा कर दें तो कितना इंटरेस्ट रेट जनरेट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। अभी हम देखते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल कंपाउंड इंटरेस्ट। द अदर टाइप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्सपोनेंशियल कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दिस कंपाउंड इंटरेस्ट इन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम्स पर ईयर एट इंटरवल्स ऑफ माइक्रोसेकंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर आई मल्टीप्लाई बाई एन। हियर ई इज ए कॉन्स्टेंट
द डिराइव वैल्यू ऑफ विच इज 2.718 इज अ कॉन्स्टेंट लाइक इज अ नंबर लाइक पाई एंड पाई की वैल्यू जैसे मैंने 3.14 और ये आगे पूरा सीक्वेंस चलता रहता है. इसी तरह ई भी इसी तरह का एक नंबर है एंड इसकी बड़ी स्पेशल जो खसूसियत ये है कि ये अगर हम ई की पावर करते हैं इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो वो हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम अपने कंपाउंडिंग पीरियड को बिल्कुल नैनो सेकंड्स में बिल्कुल शॉर्ट कर दें तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंटेज में बता देगा कि आपकी इंटरेस्ट की कितनी परसेंटेज बनेगी. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. ई की ई मोस्टली कैलकुलेटर्स पे अवेलेबल होता है. आपने उसकी सिर्फ वैल्यू जाके देनी है. अगर आप गूगल पे देखना चाहते हैं तो अभी आप इस इक्वल टू का साइन करके ई की पावर दे के कुछ भी दे के कर लें आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे. सो आपने इसमें घबराने वाली बात नहीं बिकॉज ई इज वेरी वेरी इजिली यूज एंड वेरी वाइडली अवेलेबल ऑन कैलकुलेटर्स. सो यू कैन यूज दैट टू इनकॉर्पोरेट एनी एनालिसिस यू वॉन्ट टू डू. बट समझने वाली बात ये जिस पर आपका फोकस होना चाहिए कि वाई वी यूज ई. ई हमें बताता है ई हमें ये बताता है कि अगर हम अपने कंपाउंडिंग पीरियड को बहुत छोटा इतना छोटा कर दें नैनो सेकंड बिल्कुल छोटा कर दें तो आपका जो इंटरेस्ट जनरेट होता है पाँच साल में या कितने एक साल में या कितने भी अरसे में वो कितना होगा मैक्सिमम. और वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होगा जो उस पीरियड में हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखें जब ईयरली कंपाउंडिंग की थी इंटरेस्ट रेट को छोड़ता जब हमने सेमी एनुअली की तो उससे थोड़ा ज़्यादा आया. मंथली की तो उससे ज़्यादा आया. अब डेली करें उससे थोड़ा ज़्यादा होगा. आवरली करें उससे ज़्यादा होगा. एक मिनट का उससे ज़्यादा होगा. एक सेकंड का उससे ज़्यादा होगा बिकॉज कंपाउंडिंग इंटरवल का. तो हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे छोटा पीरियड मतलब कि इंस्टेंट में अगर इंस्टेंटली हम कंपाउंड करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनाया जा सकता. सो हम उसी एग्जाम्पल पर आते हैं और देखते हैं कि हमें क्या नंबर्स मिलते हैं. Assume that the same investor has now the opportunity of investing at continuous compounding with the same term and interest rate. His future wealth after 5 years is given as under. Future value is equal to present value multiplied by e raised to power I multiplied by n. Future value is equal to 100 multiplied by मैंने आपको बताया था e की value calculator से मिल जाती है. लेकिन अगर आप 2.718 use करेंगे तो तब भी that is fine. Or you can use 2.718 as well. 2.718 raised to power 0.07 जो हमारा इंटरेस्ट रेट था मल्टीप्लाई बाय 5 पाँच साल के लिए. तो देखिए मेरे पास एक नंबर आता है 1.419. आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 141.9. वी कैन सी दैट वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर इज हाईएस्ट व्हेन ही डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ स्कीम व्हिच ऑफर्स कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट कंपेयर दीज टू. जब हमने मंथली कंपाउंडिंग की थी तो हमारे पास 1.141.76 आया था. जब हमने ईयरली कंपाउंडिंग की थी 140.255. सो मैक्सिमम जो हमारे पास पैसे आ सकते हैं उस पीरियड में मैक्सिमम कंपाउंडिंग के साथ वो 141.9 आ सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैन इंक्रीज मैनीफोल्ड इफ द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड एज वी सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल. बेसिकली जब टर्म इंक्रीज हो जाती है टर्म से मुराद है कि अगर हम अरसा इंक्रीज कर लेते हैं तो पैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. अगर हमने देखिए ये हम ओरिजिनल केस देख रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इसलिए कि ओरिजिनली हमें 135 रुपये सिंपल इंटरेस्ट से मिल रहे थे लेकिन कंपाउंड से जो मैक्सिमम मिलते हैं 141.9. लेकिन जैसे जैसे हम पीरियड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा. यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट वॉरेन बुफेट का शायद आपने नाम सुना हो. वॉरेन बुफेट इज़ अ वेरी फेमस इन्वेस्टर फ्रॉम अमेरिका और ही इज़ वन ऑफ द वेल्थीस्ट पर्सन दिस वर्ल्ड एंड वो हमेशा ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. कि वो ये कहते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं तो आपने कहीं इन्वेस्ट करने और उसके बाद अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं तो वो ये कहता है कि पैसे अगर आपने देने तो अपने बच्चों को ना दें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दें. बिकॉज अगर अपने बच्चों को देंगे तो आप सोचें कि आप पैसा फिर हो सकता है कि कम अरसे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो 15-20 साल बाद से बच्चों को पैसे देने पड़े. लेकिन अगर आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देना चाहते हैं तो हो सकते हैं 40 या 50 साल के बाद दें. तो जो आखिरी कंपाउंडिंग के पीरियड होंगे उसमें जो पैसा आखिरी कंपाउंडिंग के पीरियड्स में बनता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो इसलिए आप कोशिश करें अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो उसको लंबे अरसे तक इन्वेस्ट करें तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा हाई होगा. इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाए.
Suppose you deposit rupees 10 in a bank today. The bank offers you 10% per annum interest. 10% आपको bank return offer कर रहा है. How much money would you have in the bank after 15 years? 15 साल के बाद कितना होगा? सबसे पहले हम simple interest rate देखते हैं. तो obviously 10 plus 10 multiply by 10% multiply by 15. तो हमारे पास 15 साल के बाद 25 रुपए होंगे. अगर हम इसको discrete compounding करते हैं yearly, एक साल के लिए compound करते हैं, तो हमारे पास 10 multiply by 1 plus 0.10 यहाँ पे मैंने वो cap नहीं लिखा, लेकिन raise to power 15 is equal to 42 rupees approximately. So difference जो पहले काफी कम था 5 साल में आपने देखा था वो 7% interest rate पे था, लेकिन यहाँ पे हमने 10% interest लिया. यहाँ पे जो difference है वो काफी ज़्यादा हो गया, 25 से 42 पे चला गया. और ये numbers मैंने बहुत छोटे use किए, लेकिन आप खुद सोचें कि ये number मैंने तो सिर्फ 10 rupees use किए थे, लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप खुद सोच लें, 10 लाख रुपया है तो वो आपके पास 25 लाख या 42 लाख, इस तरह से हम देख लेते हैं. तो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है जब आप नंबर्स को इंक्रीज, आपके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा हो. फाइनली हम देखते हैं कि अगर बैंक्स डो नॉट ऑफर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, बट इफ दे डिड, बैंक्स कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफर नहीं करता, लेकिन अगर वो करेगा तो मैक्सिमम आप देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 2.718 रेज टू पावर 0.10 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 45 रुपीज़ 45 अप्रॉक्सीमेटली. सो मैक्सिमम 45. सो देखें अगर हम कंपाउंडिंग यूज़ करते हैं, 15 ईयर्स हमारा पीरियड है, तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं अपने ओरिजिनल 10 रुपीज़ पे, राइट. सो बैंक्स डो नॉट ऑफर कंपाउंडिंग, बट बैंक्स डो नॉट ऑफर कंपाउंडिंग अगर आपका अपना बैंक हो तो इट डजेंट मेक सेंस. मेक सेंस नहीं कर सकता, बिकॉज कि अगर आप अगर आप कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और बैंक की कोशिश होती है कि कम से कम पैसे दिए जाएँ, दैट्स वाई दे नेवर ऑफर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं, राइट. दैट दिस इज अ ग्राफिकल व्यू ऑफ कंपाउंडिंग. इसमें सबसे पहले जो इसमें दिखाया है रेड लाइन, वो सिंपल इंटरेस्ट रेट की है, कि सिंपल इंटरेस्ट रेट 15 साल में सीधी एक स्ट्रेट लाइन रहती है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप. वो बढ़ेगा तो सही, लेकिन एक ही परसेंटेज हर साल बढ़ेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. जब हम डिस्क्रीट कंपाउंडिंग में देखते हैं तो वो थोड़ा सा है तो सिंपल का भी पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन जो डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है वो आप देख लें, जो सेकंड लाइन है उसमें लाइन जो है वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज कर रही है 5 साल के बाद. तो इसका मतलब है कि शुरू में तो रिटर्न काफ़ी सिमिलर है, लेकिन 5 साल के बाद डिफरेंस ऐसा आना शुरू हो जाता है, बिकॉज हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. पर फाइनली कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में भी आप देख लें कि 4 साल के बाद काफ़ी डिफरेंस आना शुरू हो गया, और सबसे ज़्यादा पैसे हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में बना रहे हैं. सो इसके बाद हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज़ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके सारे डायनामिक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर यू वुड बी एबल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग मेथड्स ऑफ forecasting. Financial forecasting and financial planning. Before going into the detailed calculation of cash flow, it is important to know the principles behind financial forecasting and financial planning. Although financial planning and forecasting cannot reduce the uncertainty in our lives, the idea is simply to acknowledge and identify different points in time. Here we expect some future occurrences and to prepare plans and contingencies in the light of those forecasted happenings. Of course, we cannot be certain about the future, but we can always plan and arrange for it. देखिए फोरकास्टिंग की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कोई भी हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमारे पास क्या नंबर क्या नंबर्स होंगे, क्या सेल्स कितनी होंगी, बाकी सब चीज़ें एक्सपेंसेस कितने होंगे. बट फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट और एनी थिंग विच यू लाइक टू डू इन अ कंपनी. और अगर हमारे पास कुछ फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग स्किल्स हैं तो हम उनको यूज़ करके एक काफ़ी अच्छा एनालिसिस पहले कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कुछ ना किए बगैर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, उसके बाद हमें पता चले कि इसकी ये लिमिटेशंस हैं, ये मसाइल हैं. अगेन मैं ये बात करूँ, वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट द फ्यूचर, बट वी कैन ऑलवेज प्लान एंड अरेंज फॉर इट, कि हम सर्टेन तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन हम कुछ प्लानिंग पहले कर सकते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स पहले कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं. Although financial planning and forecasting cannot reduce uncertainty in our lives, the idea is simple to acknowledge and identify different points in time.
where we expect some future occurrences and to prepare plans and contingencies in the light of those forecasting happenings. प्लान करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उसमें से पहला हम देख लेते हैं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज बाय एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर ऑकरेंसेज. जैसे कि मैं बात करता हूँ कि देखें फ्यूचर में हमें पता है कि कुछ चीज़ों की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है होने की. अगर हम बात करते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो हमारी ऑब्वियसली हमारी साइड पे बहुत सारे लोग आएंगे काम करने के लिए. अगर हमने प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ली हुई तो वो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कोई मसला हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है जिसमें हम प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी करवा सकते हैं. अगर हमारे पास अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस है या फिर हमारी हमने अरेंजमेंट किया किसी हॉस्पिटल के साथ इन केस हम वो कर सकें. लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कीमती जानें ज़ाया हो सकती है. तो इसलिए हमें पहले से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना. प्रिपेयर टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़. जब हम कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी चीज़ करें, एक कंपनी स्टार्ट करें तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर आती रहती हैं. तो हमने देखना है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का हमने कैसे फ़ायदा उठाना है, उनको एंटीसिपेट करना है. एंटीसिपेट पहले से हमने सोचना है कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या डिफरेंसेज आ रहे हैं, फिर उनको हम यूज़ कैसे करेंगे. प्रिपेयर कंटीजेंसी एंड एमरजेंसी प्लान्स, जैसे कि मैंने बात अभी की है. प्रिपेयर टू डील विद पॉसिबल आउटकम्स. अब इसके लिए काफ़ी सारे प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हम एक में कुछ में आज आपको यूज़ करके बता भी दूंगा और एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल पे सारा कुछ बेस करके मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर टू बी प्रिपेयर्ड वाइल मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान. दीज आर कैश बजट्स. ऑब्वियसली कैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए. तो उसमें हम कैश सबसे पहले देखेंगे. परफॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, उसमें ऑब्वियसली हमें स्नैपशॉट मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है बिजनेस की. और उसके बाद परफॉर्म इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे क्या प्रॉफिट्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हैं, क्या हमारे लॉसेज हैं. और हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारा कि फ्यूचर में हमें हमारे पास क्या नंबर्स आने वाले हैं. हियर द टर्म परफॉर्मा रेफर्स टू फोरकास्टिंग. द परफॉर्मा स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एस्टिमेट्स. देखें अभी प्लानिंग डॉक्यूमेंट है, प्लान हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स बट वी हैव आइडियाज और वी हैव एन आइडिया बिकॉज वी आर वर्किंग इन दैट सेक्टर और उसकी बेसिस पे हम काम करते हैं. मैं दो एग्जांपल्स देना चाहूँगा यहाँ पे. सबसे पहली एग्जांपल मैं डॉन ब्रेड की देना चाहूँगा. डॉन ब्रेड ने जब अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए तो उन्होंने कुछ एक एनालिसिस किया कि पहले दिन हमारी इतनी डबल रोटियाँ वगैरह बेकिंग एंड उनका एनालिसिस काफ़ी गलत साबित हुआ. और इसलिए कि पहले दिन के लिए उन्हें जितनी भी इन्वेंट्री रखी थी वो बहुत जल्दी चली गई और शॉर्टेज हो गई डॉन ब्रेड की. सो इसका मतलब है कि उनका जो एस्टिमेट था वो इतना सही उन्होंने जरिया यूज़ नहीं किया उसको करने के लिए, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुए. बेसिकली डॉन ब्रेड को चाहिए ये था कि वो किसी भी कंपेटिटर के नंबर अपनी इंडस्ट्री में नंबर्स देख सकते थे कि कौन नॉर्मली क्यों पाकिस्तान में इस सेक्टर के अंदर कितनी सेल्स होती हैं ऑन डेली बेसिस और उससे कोई नंबर हासिल करने की कोशिश करते तो वो मोर रेलिवेंट होता. बट दैट डिडंट हैपन. एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ. डिज्नी इज़ अ वेरी फेमस कंपनी जिसके आपने अक्सर देखा होगा मिकी माउस इज़ अ वेरी फेमस करेक्टर एंड डिज्नी इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मूवीज फॉर किड्स एंड थीम पार्क्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. डिज्नी एग्जाम्पल में बात करूँ तो डिज्नी के तीन थीम पार्क्स हैं, एक पेरिस में, एक हॉन्गकॉन्ग में और एक ऑरलैंडो इन अमेरिका. अगर डिज्नी एक नया थीम पार्क बनाना चाहता है ब्राज़ील में सो उसके लिए डिज्नी को नंबर्स चाहिए. तो वो नंबर्स कहाँ से ला सकते हैं? ऑब्वियसली डिज्नी को ये चाहिए होगा कि कितनी सेल्स होंगी टिकट्स की, कितने लोग आएंगे, कितने लोग उनके रेस्टोरेंट्स में आएंगे, कितने लोग उनके होटल्स में रहेंगे. तो ये सब इसलिए कि इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अरबों की इन्वेस्टमेंट है. वो करने से पहले वो देखना चाहते हैं इज इट वायबल और नॉट. सो वो सेल्स के नंबर बाकी सब नंबर्स कहाँ से ला सकते हैं? उनके पास ऑलरेडी तीन वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं. अब जब वो उनकी सेल्स टिकट सेल्स देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, तो वो नंबर्स और एक्सपेंसेस सारे उनके देखते हैं. तो उनको एज परसेंटेज वो यूज़ करके परफॉर्मा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैश फ्लो सब कुछ बना सकते हैं. और वो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल सही एस्टिमेट होंगे, लेकिन उनके गलत होने का अंदेशा इतना बहुत ज़्यादा अंदेशा नहीं होगा बिकॉज उन्होंने वो नंबर्स रेलेवेंट लिए. ब्राज़ील इज़ अ डिफरेंट कंट्री, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन एवरेजेस जो उन तीन जो उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे जो नंबर्स लिए गए सेल्स के, बाकी सब चीज़ों के, वो काफ़ी अच्छे एस्टिमेट्स होंगे. सो एस्टिमेट्स आर इम्पॉर्टेंट.
और आप जब भी कोई एस्टिमेशन करें, कोई एस्टिमेट लें, तो सोच के लें कि वाई आर यू टेकिंग दैट एस्टिमेट, कैन यू जस्टिफाई दैट। सिर्फ इसलिए एस्टिमेट ना लें कि क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, आपको जो लग रहा हो लाजमी नहीं है वो सही हो, तो इसलिए सोच समझ के और एविडेंस को देख के एस्टिमेट लेने की कोशिश करें, तो आपका एनालिसिस काफ़ी बेहतर होगा। मैथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर परफॉर्मा स्टेटमेंट्स, टू मैथड्स आर कॉमनली प्रैक्टिस विच आर गिवन एज अंडर। परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट्स अ सिंपल मैथड, कैश बजट डिटेल मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा परसेंटेज ऑफ सेल्स, और बाद में हम फ्यूचर में देखेंगे अगर हो सका तो कैश बजट भी करेंगे। परसेंटेज ऑफ सेल्स, स्टेप वन, एस्टिमेट ईयर बाई ईयर सेल्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस। सबसे पहले हम हर साल की सेल्स रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस निकालेंगे। एस्टिमेट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड इन एसेट्स रिक्वायर्ड मीटिंग एस्टिमेट सेल्स यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स, दैट्स हाउ द एसेट्स ऑफ द कंपनी चेंज विद द चेंज इन सेल्स। फिर हम देखेंगे कि आपके सेल्स के साथ एसेट कितने चेंज हो रहे हैं, कौन सा डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसमें ऑब्वियसली डिज्नी की मैं एग्जांपल दोबारा ले लेता हूँ। डिज्नी अगर एक नया थीम पार्क खोल लेती है तो शुरू में ऑब्वियसली जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतने उनकी थीम पार्क यूज़ होगा, तो अगर वो थीम पार्क में दोबारा इन्वेस्टमेंट, उसकी मेंटेनेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो वो सारा प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उनको अपनी प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस पे भी, सेल्स पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा सेल्स होंगे इसका मतलब उतने ज़्यादा वो एसेट्स यूज हुए, तो उतने ज़्यादा उनको उसकी मेंटेनेंस वगैरह पे भी खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो वो उनका प्रोजेक्ट अक्सर फेल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें बन जाती हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जाता फ्यूचर में, जिसकी वजह से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं लेकिन वो देर पा नहीं होते, लंबे अरसे तक चल नहीं पाते, इसलिए कि हम मेंटेनेंस पे उतनी तवज्जो नहीं देते। Estimate the financing needs, liabilities. Explanation. While employing percentage of sales method, we would estimate cash flows based on sales revenue. The first step is to forecast the changes in sales revenue in the successive years. Expenses incurring in successive period would also be estimated. These expenses include cost of goods sold expense, administrative expense, marketing expense, depreciation expense and other expenses. However, these revenues expenses would be estimated on cash rather than on accrual basis. So, जो estimation होगी वो हम सारी cash basis पे करेंगे ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। accrual basis और estimation में use नहीं करेंगे। After estimating the revenues and expenses, we need to forecast the anticipated changes in assets and liabilities as a result of changes in sales. Having forecasted the assets and liabilities as a result of change in sale, we would be able to identify how much capital the firm has to invest in assets and how much the company needs to borrow as a result of any shortfall. देखिए जब हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी इतनी सेल्स होंगी और इतने एसेट्स यूज़ होंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा एसेट्स में शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और फ्यूचर में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसके मुताबिक फिर हम ऑब्वियसली हमें फाइनेंसिंग चाहिए क्योंकि फिर हम देखेंगे कि हमने बोरो करना है या इक्विटी इशू करनी है, वो हमने बोरोइंग या जो भी फाइनेंसिंग का मिक्स होगा फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा होगा और उसको हमने कैसे एम्प्लॉय करना। हियर वी वुड एग्जामिन द वेरियस हेड्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड देयर रिलेशनशिप्स विद सेल्स। We can establish these relationships by identifying the changes in assets and liabilities as a result of change in sales, and to do that certain assumptions need to be considered. मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि सेल्स के साथ जब सेल्स चेंज होती है तो आपके एसेट्स भी चेंज होते हैं, और आपकी और जब वो एसेट्स चेंज होंगे तो हमारी हमें देखना पड़ा एसेट ऑब्वियसली देखें कुछ सेल्स करने के लिए हमें इतने एसेट्स अगर हम कुछ सेल्स करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ एसेट्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कितनी सेल्स अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके लिए हमें कोई फर्दर एसेट्स चाहिए होंगे, या फिर जो हमारे पुराने एसेट्स यूज़ हो रहे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, तो उनको हमने रिप्लेस करना है, कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें हम देख के उसके मुताबिक हमें फाइनेंसिंग जो चाहिए होगी वो भी अरेंज करेंगे और देखेंगे कि ये सारा वायबल है भी है कि नहीं। जनरल अजम्पशंस, करंट एसेट्स जनरली ग्रो इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। अब ये हम जनरल अजम्पशंस देखते हैं कि जो आपके करंट एसेट्स हैं वो आपके सेल्स के मुताबिक ही बढ़ते हैं, कि अगर आपकी सेल्स देखें अगर हम छोटी सी एक दुकान की बात करते हैं तो उसकी जितनी जो सेल्स बढ़ जितनी सेल्स बढ़ेंगी उतने उसके एसेट्स करंट एसेट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। मतलब अगर देखें एक दुकान की एक दुकान में जो इन्वेंट्री एक छोटी सी चीज़ है, अगर उसकी अगर सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं तो उसकी इन्वेंट्रीज भी उतनी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। सो हम करंट एसेट्स की में करते हैं जनरली ग्रो इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। फिक्स एसेट्स डो नॉट ऑलवेज ग्रो इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। आस्क इफ यू नीड टू एक्सपेंड प्रॉपर्टी ऑफिस और फैक्ट्री स्पेस मशीनरी इन ऑर्डर टू अचीव योर सेल्स टारगेट।
फिक्स एसेट्स जनरली सेल्स के साथ ग्रो नहीं होते, बिकॉज वो फैक्ट्री है, बड़ा स्पेस, बड़ी स्पेस होती है, वो एक ही दफ़ा आ जाती है. लेकिन अगर हम सेकंड फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल टारगेट्स. करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग जनरली ग्रोज इन प्रोपोर्शन टू सेल. करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी इन प्रोपोर्शन टू सेल्स इंक्रीज होती हैं. अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटीज़ में मोस्टली जो हम सप्लायर से चीज़ें लेते हैं और आगे वो सेल करते हैं तो वो होती हैं. अगर हमारी सेल्स ग्रो होती हैं तो ऑब्वियसली हमारी करंट लाइबिलिटीज़ भी ग्रो होंगी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग डज नॉट ग्रो इन प्रोपोर्शन टू सेल्स. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होती है और सेल्स के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते. ये मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, दोबारा मैं थोड़ा सा बता दूँ. करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. आउट ऑफ दिस करंट एसेट्स चेंजेस इन कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड टू चेंज इन सेल्स. हाउएवर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्स, दैट इज चेंजेस इन सेल्स मे नॉट अफेक्ट दीज टू हेड्स. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द करंट एसेट्स डू नॉट चेंज एक्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन टू द सेल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन. ऑब्वियसली एग्जैक्टली तो नहीं करेंगे, सम परसेंटेज हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, मतलब कि अगर हमारी 10% सेल्स इंक्रीज हुई है तो 10% करंट एसेट इंक्रीज होंगे, ऐसा नहीं होता. दैट इज नॉर्मली अ परसेंटेज जो हमें टाइम के साथ पता चलती है, इंडस्ट्री से पता चल सकती है, सिमिलर बिजनेस से पता चल सकती है. An increase of 10% in sales may not necessarily guarantee that current assets would also increase by 10%. However, for the sake of simplicity, we would assume that current assets change proportionally to the sales. लेकिन इस केस में भी हम एग्जाम्पल एक डिस्कस करेंगे, हम सिंप्लिसिटी के पर्पजेज के लिए ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो सेल्स की चेंज के साथ ही चेंज, जितनी सेल्स में चेंज होगी उतनी करंट एसेट में चेंज होगी. On the other hand, fixed assets do not change directly with change in sales. For example, if you plan to increase the sales revenue by 20%, then it is not necessary to increase the fixed asset by 20%. But if a company plans to double its sales in the next 3 years, the company might have to increase its fixed assets. However, small year-to-year changes in the sales do not affect the fixed assets. Current liabilities include accounts payable, short-term portion of long-term liabilities, and accrued expenses. Current liabilities like current assets are assumed to grow proportionally with any growth in sale. If the sales of a company increase by 30%, its current liabilities would also increase by 30%. Current liabilities are also called spontaneous financing still since they move in direct relation with changes in sales. Supplier credit, jaise maine aapko example diya pehle. However, the long-term liabilities, also known as discretionary financing, do not directly change in proportion to change in sales revenue. In order to have a better understanding of aforementioned concepts, let us take into example consideration a numerical example. So, we ek example dekhte hain jisme ye sari cheezein discuss karenge. Example: assume that you are establishing cafeteria as a new business venture. Ek cafeteria aap bana rahe hain, assume kare. In order to get your project funded, you would be needing capital. In addition, you would also need to forecast how your business would generate revenues and incur expenses in the coming years. देखिए, आप एक कैफेटेरिया बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप को ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल कितना चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए. फिर आप ये भी देख फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा आएगा मेरे पास वापस, और एक्सपेंसेस फ्यूचर में कितने होंगे, ताकि पता चल सके कि लॉन्ग टर्म में इज दिस अ वायबल बिजनेस और नॉट. Suppose you expect the sales revenue from your cafe canteen business to grow from 200,000 to 300,000 and your expenses to grow from 50,000 to 70,000 after 1 year. These forecasts can be based on the business environment in which the business operates, competition faced by the business, marketing efforts and activities of business and target market. ये एक साल के अंदर आपका जो sales revenue है वो दो लाख से 3 लाख grow हो रहा है, और जो expenses हैं वो 50,000 से 70,000 grow हो रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आप के बिजनेस इन्वायरमेंट से आप मिलते जुलते और बिजनेसेस का जब इन्वायरमेंट देखते हैं, आपको पता चलता है कि नॉर्मली इतना कि अगर हमारी इतनी सेल्स में चेंजिंग होती है तो इतने हमारे एक्सपेंसेस चेंज होंगे. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कैलकुलेट हेयर इज द सेल्स ग्रोथ रेट. सेल्स के इंक्रीज होने का रेट देखते हैं, तो वो 50% सेल्स हमारी इंक्रीज हुई, बिकॉज पहले साल हमारी सेल्स 2 लाख रुपए थी, अब 3 लाख हो गई. अब इसमें हम यहाँ पर देखा, दिस मीन्स द सेल रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज
300,000 माइनस 200,000 डिवाइड बाई 200,000 इट्स इक्वल टू 0.5, दैट मीन्स 50%. तो हमारी सेल्स 50% इंक्रीज हुई. सिमिलरली एन इंक्रीज इन एक्सपेंसिज ऑफ 20,000 शोज दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंसिज 40,000, दैट इज इंक्रीज ऑफ रुपीज 20,000 इन एक्सपेंसिज डिवाइड बाई द एक्सपेंसिज इन वन ईयर इन ईयर वन. आफ्टर ऑफकोर्स कॉस्टिंग द ग्रोथ रेट इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिज द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग दैट इज चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. अब हमने देखा कि सेल्स में हमारी इंक्रीज हुई है 40%, जो एक्सपेंस हमारे सेल्स इंक्रीज जो हुई है वो 50% हुई है, और जिसकी वजह से एक्सपेंस हमारा 40% इंक्रीज हुआ. अब हम देखते हैं कि बाकी चीज़ों पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है. इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द करंट एसेट्स ऑफ द फॉर द नेक्स्ट ईयर वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो करंट एसेट्स टू सेल्स फॉर द करंट ईयर. इन ऑर्डर टू अराइव एट द एस्टिमेट ऑफ करंट एसेट फॉर द नेक्स्ट ईयर वी वुड सिंपली मल्टीप्लाई द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर विद द रेशियो. एस्टिमेटेड करंट एसेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू करंट एसेट्स फॉर द करंट ईयर डिवाइडेड बाई करंट सेल्स मल्टीप्लाई एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब हम एस्टिमेटेड सेल देखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर की क्या होगी, तो फिर ऑब्वियसली हम देखेंगे सबसे पहले कि करंट एसेट फॉर द करंट ईयर डिवाइड बाई करंट सेल्स कितने, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. इफ यू अज्यूम दैट करंट एसेट रेशियो टू सेल रेशियो टू बी 20%, पुटिंग इन द वैल्यूज इन द फोर मेंशन इक्वेशन वी गेट करंट एसेट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू 300,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60,000. अब एस्टिमेटेड करंट एसेट हमने जो नेक्स्ट ईयर के लिए निकाले वो हमारे 60,000 आ गए. दीज आर ऑल सिंपल कैलकुलेशंस एंड इफ यू सी देम यू कैन ईजिली फाइंड दिस डिटेल्स. This shows that an increase in sales of rupees 100,000, the current assets of the cafeteria are likely to increase 20% of the sales. We will assume here that there is no change in the fixed assets. As mentioned earlier, fixed assets do not change with year-to-year changes in sales. However, over a period of time, the fixed assets may be increased as the business requires expansion. All those previous things which we have been discussing. The next step is to forecast the retained earnings, the amount of profits which would be reinvested in the business. Obviously, हम जितना पैसा business में reinvest करेंगे उतना business grow करेगा. Retained earnings forecasting is important so that any shortfall in cash could be identified and the amount of external financing necessary for the business could be assessed. Retained earnings can be estimated using the following formula. हम देख रहे हैं कि हमें बस एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेल्स, सेल्स कितनी है मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना है मल्टीप्लाई बाय फ्लो बैक रेशियो. फ्लो बैक रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो. पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम. प्रॉफिट मार्जिन नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू हैव बीन डूइंग एंड हमने काफ़ सारी चीज़ें रेशियो एनालिसिस में भी देखी हैं. Here we assume that the profit margin ratio is 25%, whereas payout ratio for the cafeteria is 50%. इसका मतलब है कि 50% जो पैसा है वो हम owners को दे देते हैं और 50% हमारे पास बाकी रहता है payout ratio. Estimated retained earnings are equal to 37,500. हमने सिर्फ वो numbers लेके इन सबको add किया और हमारे पास 37,500 rupees retained earnings के आ गए. Rupees 37,500 is predicted retained earnings amount which should appear in the pro forma balance sheet. It shows the half of the income will be distributed among the owners and the other half will be reinvested. Now let's forecast external or discretionary financing. External financing, since we have estimated the revenues and expenses of the business, the change in assets and the part of net income that is to be reinvested in the business. The formula will be used. Estimated discretionary financing is equal to estimated total assets minus estimated total liabilities minus estimated total equity. Estimated total equity can be found out by adding the retained earnings plus initial investment. The business was started with an initial investment of 100,000 and then after 1 year of operations the earning retained out of the profit is 37,500 would be added to the equity. Hence the total equity is equal to 137,500. शुरू में जो equity मैंने invest किया था वो 100,000 था और यहाँ पे हमने देखा है कि हमने जो retained earnings हैं जो हमने retain की earning वो 37,500 है, इसलिए हमारे पास total equity 137,500 आ जाती है. Now we can easily solve the above given equation. Estimated discretionary financing is equal to estimated total assets minus estimated total liabilities minus estimated total equity. जो हमारे पास
एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड टोटल लाइबिलिटीज था। पहले देखते हैं, हम एस्टिमेटेड टोटल एसेट जो हमारे आए थे 1,60,000 है, अभी हमारी लाइबिलिटीज़ नहीं इसलिए हम यहाँ पे जीरो यूज़ करें, और एस्टिमेटेड टोटल इक्विटी 137,500। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग आई है इज 22,500। दिस इज़ द बोरिंग दैट वी नीड टू रेज इन द फॉर्म ऑफ अ लोन और इक्विटी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स। After calculating the estimated revenues, expenses, assets and liabilities, we are in a position to prepare the pro forma cash flow statement. The owners like to see the company to grow at a steady rate rather than high growth and slump scenario. The shareholders prefer those companies where growth rate is steady and consistent, and managers need to make sure that the growth rate remains steady. हमने देखना है कि कंपनी की ग्रोथ रेट स्टेडी रहे, या बहुत ज़्यादा हाई किसी कभी हो जाए, बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो वो दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ग्रोथ रेट इज स्टेडी। इफ़ यू वांट टू मेंटेन द फोरकास्टेड फाइनेंशियल रेशियोज दैट यू हैव कैलकुलेटेड एंड अलोंग विद दिस वी डू नॉट वॉन्ट एडिशनल पर्सनल कैपिटल टू बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, देन एट वट रेट द बिजनेस इज ग्रोइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। हम डिजायर ग्रोथ रेट फाइंड कर सकते हैं जी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस द पे आउट रेशियो। हम रिटर्न ऑन एक्विटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं पे आउट रेशियो 1 माइनस द पे आउट रेशियो से, तो हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस हमारा कितना ग्रो करेगा, बिकॉज ये असल में रिटर्न ऑन एक्विटी मल्टीप्लाई हो रही है हमारी फ्लो बैक रेशियो से, कि हम कितना पैसा वापस बिजनेस में डाल रहे हैं, और रिटर्न ऑन एक्विटी से मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट पर चल जाता है बिजनेस का, कितना बिजनेस ग्रो करेगा। और ये इसलिए हमें पता चलता है कि देखिए हम कुछ पैसा बिजनेस के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब री इन्वेस्ट होगा बिजनेस में पैसा तो वो बिजनेस को ग्रो करेगा। देखिए एक एग्जांपल ही जा सकती है कि अगर हम एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं जिसमें हम सॉफ्ट ड्रिंक का छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, तो अब जब हमारे पास जो सारा प्रॉफिट आता है तो हम सारा या तो यूज़ कर लें, या तो हम वो पैसा इकट्ठा करके एक नया स्टॉल बना लें। अगर हम वो पैसा बिजनेस में दोबारा लगा के एक नया स्टॉल बनाते हैं तो हमारे फ्यूचर में ग्रोथ होगी, अगर हम सारा पैसा यूज़ कर लेते हैं तो ग्रोथ नहीं होगी। सो अगर इसमें भी हमें ये पता चल रहा है कि कितने परसेंट हमने पैसा री इन्वेस्ट किया, जो हम री इन्वेस्ट किया है हमने, तो वो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चल जाता है कि इतना ग्रो होगा। पे आउट रेशियो इज डिफाइंड अबव इक्वल्स डिविडेंड्स डिवाइड बाय नेट इनकम। Return on equity is net income divided by total equity. Return on equity will be discussed in detail when we would study the rate of return on capital budgeting. So, अभी basically अगर आप देखें तो ये एक rough सी छोटी सी example मैंने दी थी जिसमें अब इतने को complex numbers नहीं थे। अगर आपको उसमें थोड़ी सी कोई confusion है तो आप notes को दोबारा देखें तो आपको इंशाल्लाह सारा numbers clear हो जाएंगे। इट इज़ नथिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन दिस वॉज अ सिंपल फॉरकास्टिंग एस्टिमेट्स। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो असल में हमने की, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन फोरकास्ट। उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम देख लेते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट परसेंटेज सेल्स मेथड इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर फोरकास्टिंग, इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज दैट इट्स ओनली अ रफ अप्रॉक्सीमेशन एंड इट इज नॉट वेरी डिटेल्ड, ऑब्वियसली दैट इज अ प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम इज दैट इफ देयर इज अ चेंज इन फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द फोरकास्टेड पीरियड ऑफ द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड वुड नॉट बी अ वेरी एक्यूरेट आंसर। पहला अप्रॉक्सीमेशन है, दूसरा है कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं और उसमें अगर चेंज फिक्स एसेट में चेंज रहती है तो वो हमारे एनालिसिस में उस वक्त से हमने शामिल नहीं किया। द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट लंपी एसेट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल यूजिंग द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। हियर लंपी एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच कैन ओनली बी एक्वायर्ड इन लार्ज डिस्क्रीट यूनिट्स। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द सेल्स मेथड। समराइजिंग द अबव डिस्कशन, we can say that in percentage of sales method of forecasting pro forma cash flow statement, most of the heads in the balance sheets are linked to the sales growth of the business. First of all, we need to know the ratios of assets and liabilities to sales for the current period. These ratios are then applied to estimated sales for the next period to get a forecast of assets and liabilities of the next period. So basically it is all forecasting and it is based on approximations, and we can have some problems in that, but it's a good starting point. मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम वी नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हमें वो करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इंडस्ट्री से नंबर्स लेने पड़ेंगे,
या आप अपने अपने किसी प्रोजेक्ट से नंबर्स लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करके हम कुछ प्लानिंग कुछ एस्टिमेट्स बनाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल इसी तरह कुछ काम करना स्टार्ट कर देंगे देन वी हैव फिर हमें कुछ भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग का मकसद ये नहीं है कि हम 100% प्रेडिक्ट कर लें फ्यूचर को, इसका मकसद ये है कि जो हम फ्यूचर में करने चाह रहे हैं उसमें हमारे जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है वो ज़्यादा हो और हम बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकें और हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो कि फ्यूचर में क्या नंबर्स हमारे पास आने जा रहे हैं, बजाय इसके कि वी जस्ट गेट सरप्राइज्ड एंड एक बड़ी बड़े लॉसेस करने के बाद हमें पता चले कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाता। सो दैट्स वेयर टुडेज लेक्चर एंड। लास्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के कुछ नंबर्स कैलकुलेट किए हैं एंड आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक एट देम योरसेल्फ्स। और उस इट्स जस्ट अ परफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट जिससे आपको बाकी सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। सो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉपर कोर टॉपिक्स की तरफ आना शुरू कर दिया हमने और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल स्टडी प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो आप मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करेंगे। एक तो हमने आज का मेथड देखा कि परसेंटेज ऑफ सेल्स ये वो, इसमें हमने डिस्काउंट नहीं किया, अगर मेरे पास फ्यूचर में प्रॉफिट आ रहा है तो उसको हमने कन्वर्ट करके करंट पोजीशन आजकल के इन्फ्लेशन भी नहीं देखी, वो सब चीज़ें देखी हमने, उसको पीछे ला के देखा कि अगर अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यूज़ क्या होगी जो फ्यूचर में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you very much for your time and hopefully I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.